प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया। अब जैसे तुम्हें स्क्वायर दिख गया तो मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे भी सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे आ गया टेन स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्टेप क्या लिखवाया था मैंने, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस वाले सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखो। अब ये कितना आ गया, 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख देते हैं और टेन एक्स को टी मान लेते हैं क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव होगा। तो हर क्वेश्चन में यही करना है जो हमने बताया ऊपर, कि डिवाइड करने के बाद डेनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर है उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर नीचे जो भी टेन वाली टर्म है उसको टी मान लो क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ऊपर बनेगा ही बनेगा, हमने जिस हिसाब से कही है क्वेश्चन। तो क्या बन गया क्वेश्चन, डी टी अपॉन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, तो 1/√3 बाहर आ गया और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अब ये किसका होता है, टेन इनवर्स टी। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, टी की जगह लिख दूंगे तो समझ गए। पहले डिवाइड कर देते हैं सबको कोस स्क्वायर से, फिर डेनोमिनेटर में अगर कहीं पे सेक स्क्वायर है तो उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर नीचे टेन एक्स को टी मान लो।